खुदा के लिए फाहम भाई की मौत का जिम्मेदार मुझे ना ठहराएं। उनके जाने का मुझे भी उतना ही दुख है जितना आपको। तुम्हारा तो एक भाई है, दो भी बाकी हैं। मेरा तो शौहर कह रहा था जो मेरी जिंदगी था, मेरी मोहब्बत था, मेरा हर रिश्ता था, मेरा मुहाफिज था, वो कभी वापस नहीं आएगा, कभी वापस नहीं आएगा। मैं कुछ नहीं थी वहां के बिना। बताओ बताओ ना, किसका नुकसान ज्यादा है, किसका दर्द ज्यादा है, तुम्हारा या मेरा? माफ कर दे। मैं तुम्हें कैसे माफ कर दूं? मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। तुम जानती हो, तुम्हें देख के मेरे अंदर एक आग सी लग जाती है, मेरा खून खौलता है। तुम्हें माफ नहीं कर सकती, माफ सिर्फ तुम्हारी वजह से गए। रिदा, ये सब क्या है? ड्रामा, वही ड्रामा जो आप दोनों माँ बेटी करने में बहुत माहिर हैं। बंद कर तो अपनी बकवास, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। मम्मी, मैं तुमसे कह रही हूँ कि जाओ यहाँ से। हातिम, आसिम, हातिम, आतिम, आसिम, कोई है, मुझे बचाओ। क्या कोई कोई क्या कर रही है मेरे साथ? ये क्या क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये पागल हो गई है ये? चाहते क्या है आप लोग? मैं किचन में सिर्फ चाय बनाने गई थी, खाला जाने मुझे धक्के दे के बाहर निकाल दिया। मुझे चाय तक नहीं बनानी थी। झूठ बोल रही है ये? झूठ आप लोग बोल रहे हैं। तुम पागल हो गए हो? तुम्हें अपनी मां पर यकीन नहीं है? नहीं यकीन मुझे आप दोनों की बातों। आसिम, भाभी को उनके घर छोड़कर आना, यहां उनकी जान को खतरा। आतिम, नहीं कर सकते तुम ऐसा। खानदान में हमारी कितनी बदनामी हो जाएगी जानते हो तुम? बदनामी तो हो चुकी है, वो भी रिदा की वजह से। अब कौन सी इज्जत बचाए हम लोग? भाई, आप मामा से इस तरह बात? तुम तो चुप रहो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहे हैं। बंद करो अपनी बकवास। तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूं? आप झूठ बोल रही हैं। मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन मुझे मजबूर किया है आपने इस तरह बात करने। भाई, भाभी प्लीज प्लीज चले यहां से, यहां आपकी जान सेफ नहीं है। तुम मेरे फार्म का घर है, मैं कैसे उसकी यादों को छोड़ के चली जाऊं? मैं नहीं जाऊंगी। इनको जितना मेरे पे जुल्म करना कर ले, लेकिन इस घर से निकालना चाहती थी क्योंकि फहम नहीं रहे ना। मैं चली जाऊंगी, मैं कभी आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगी। मैं चली जाऊंगी। मैं आपसे माफी मांगती हूँ खाला जान, लेकिन मैंने आपका दिल दुखाया ना, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दो। जो मैं चली जाती हूँ इस घर से, आप लोग यही चाहते थे, मैं चली जाती हूँ इस घर से। मम्मी, इस घर की बर्बादी की असल जिम्मेदार मैं हूँ, मुझे चले जाना चाहिए यहाँ से। नहीं देता, हम छोड़कर चला गया मुझे, अगर तुम भी चली गई तो मैं जिंदा कैसे रहूंगी? तुम्हारी माँ जिंदा, कहीं नहीं जाओगी मेरे बच्चे। <तुम्हारी>